Good morning, students. Once again, welcome back in computer class. Myself, Ravi Kumar. I am your computer teacher. In this class, we'll take the revision about related topic mouse. Mouse ka hum log revision karenge. Have you seen a computer mouse? Kya aapne computer mouse dekha hai kabhi? ये है आपका कंप्यूटर माउस. दिस इज योर कंप्यूटर माउस. व्हाट इज ए माउस? माउस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर समबडी आस्क टू यू व्हाट इज माउस, सो यू आर हैव आल्सो टू गिव योर आंसर इन थ्री पॉइंट्स. जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि व्हाट इज माउस, तो आप भी अपना आंसर पॉइंट्स में दीजिएगा. ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस. माउस एक इनपुट डिवाइस होता है. इट लुक्स लाइक ए रियल माउस. इट लुक्स लाइक ए रियल माउस. थर्ड पॉइंट, इट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज अ टेल विच इज अटैच्ड टू सीपीयू. ये दिखने में छोटे आकार का होता है और इसके पास एक टेल होती है जो कि सीपीयू के साथ अटैच है. तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस. इट लुक्स लाइक ए रियल माउस. इट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज अ टेल विच इज अटैच्ड टू सीपीयू. क्या आपको समझ में आया कि माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है और इट लुक्स लाइक रियल माउस. ये रियल माउस की तरह दिखता है. इसके पास एक आकार, इसका साइज इसका छोटा होता है और इसके पास एक टेल है जो सीपीयू के साथ अटैच होती है. क्वेश्चन नंबर टू, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा कि माउस क्या है, अब समझेंगे कि माउस पैड क्या है. माउस पैड वह चीज होती है जिस पर माउस चलता है, उसको हम कहते हैं माउस पैड. द पैड ऑन विच वी मूव द माउस इज नोन एज द माउस पैड. द पैड ऑन विच वी मूव द माउस इज नोन एज द माउस पैड. वो पैड जिस पर माउस बड़े आसानी से चलता है, उसको कहते हैं माउस पैड. व्हाट इज अ माउस पॉइंटर? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि माउस पॉइंटर क्या होता है. स्टूडेंट्स, द स्लेंट एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. SLANT, स्लेंट. स्लेंट मीन्स थोड़ा टेढ़ा. ARROW, एरो. एरो मीन्स, एरो का मतलब क्या होता है? एक तीर. ये देखिए, हाँ, माउस चला रहे हैं, ये आपको दिख रहा है. द स्लेंट एरो. स्लेंट मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा और एरो मीन्स ये तीर. तो द स्लेंट एरो ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन किसको बोलते हैं? इस पूरे को स्क्रीन बोलते हैं. इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज ऑप्टिकल माउस? ऑप्टिकल माउस यूजेज लाइट इंस्टेड ऑफ ए बॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. ऑप्टिकल माउस वह माउस होता है जिसमें बॉल की बजाय लाइट होता है. बॉल की जगह पर लाइट होता है. इंस्टेड का मतलब रिप्लेसमेंट. बॉल इंस्टेड ऑफ ए बॉल, बॉल की जगह पे लाइट होती है. इसी उसकी मूवमेंट करने के लिए मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स
चाल, जैसे वो चलता है। तो ऑप्टिकल माउस यूजेज लाइट, ऑप्टिकल माउस लाइट को यूज करता है बॉल की जगह पर, इसलिए उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माउस। आपने बुक में पढ़ा है कि माउस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। माउस के फोर फंक्शंस हैं, देर आर फोर फंक्शंस ऑफ माउस, लाइक क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। कौन कौन से फंक्शंस हैं? क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग और ड्रैगिंग। ये माउस के चार डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस है। देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर गिवेन इन योर सिलेबस कंप्यूटर बुक। अगेन वी विल रिपीट, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। आई विल एक्सप्लेन यू दिस फोर फंक्शंस ऑफ माउस थ्रू एग्जाम्पल। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड डेस्कटॉप। ये कंप्यूटर का पहला स्क्रीन है जिसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, और इस डेस्कटॉप के ऊपर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स अवेलेबल। यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपके अवेलेबल हैं, लेकिन जिस आइकन में इस तरीके का स्मॉल एरो लगा हुआ है उसको कहते हैं शॉर्टकट आइकन। इसको कहते हैं शॉर्टकट आइकन, और ये जो दिख रहा है इनको कहते हैं फोल्डर्स। बाकी रेस्ट आपके क्या है? शॉर्टकट आइकन्स। अब हम देखेंगे सबसे पहला क्लिकिंग क्या होता है। ये सिंपल आपको दिख रहा है, इसके साइड साइड बाउंड्री में कोई भी वाइट कलर नहीं है। तो क्लिकिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने ये पकड़ लिया, ये देखिए, ये हो गया आपका सेलेक्ट। तो क्लिक का मतलब होता है जब राइट बटन इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्लिकिंग का यूज हम केवल सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। क्लिकिंग इज यूज्ड फॉर, सिंगल क्लिक इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर आइकन। किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए केवल क्लिक करते हैं। और राइट क्लिकिंग क्या होता है ये देखेंगे। राइट क्लिकिंग का मतलब होता है गिव द लिस्ट ऑफ कमांड्स। अब इसके ऊपर एक राइट क्लिक करेंगे, गिव ए लिस्ट ऑफ कमांड्स। जब इस टाइप के आपको कमांड्स दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और आपको क्या करना है इसके साथ वो इसमें आपको दे रहा है। आप क्या करना चाहते हैं ये आपको मालूम होगा। डबल क्लिक क्या होता है? डबल क्लिक का मतलब होता है इसको ओपन करना इस तरीके से। तो ये ओपन हो जाएगा, है ना? अगर ओपन करना है तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। Am I right? तो क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और राइट क्लिकिंग। बचा क्या है? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है जैसे ये मैंने पकड़ लिया और इसको धीरे 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 खसका के ले आएंगे, यहाँ छोड़ देंगे। तो यहाँ के बजाय ये यहाँ चला गया, तो इसको बोलते हैं ड्रैगिंग करना। देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होगा इसके अंदर, इसलिए ये यहाँ पर नहीं बैठा, ये यहाँ चला गया। नहीं तो ड्रैगिंग का मतलब होता है इसको खींच के लाना और यहाँ बैठा देना, जहाँ चाहते हैं वहाँ इसको रख लेना, तो इसको कहते हैं ड्रैगिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। क्लिकिंग का मतलब होता है सेलेक्ट करना, किसी भी आइकन्स को सेलेक्ट करना। डबल क्लिकिंग का मतलब होता है दो बार क्लिक करते हैं अगर, तो उसका मतलब होता है
उस आइकन को ओपन करना चाहते हैं, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। और राइट क्लिकिंग का मतलब होता है कि आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स यू नीड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस की जरूरत है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स मिलेंगे। और लास्ट ड्रैगिंग का मतलब होता है मूव द प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण कराना, इसको कहते हैं देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ माउस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशंस दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।